So in this particular video, we'll discuss about X-linked dominant rate. जो pedigree के अंदर आपका X-linked dominant rate है, उसके बारे में हम discuss करेंगे, ठीक है? तो इसमें first point है, the first point is both males and females are affected, ठीक है? क्योंकि X-linked dominant है, तो male, female दोनों ही affect होते हैं. Often more females than males are affected, ठीक है? तो इसको भी हम देखते हैं genotypes की form में. कि कैसे हम इस कंक्लूजन पे आते हैं या हाउ कम मोर फीमेल्स एंड मेल्स आर अफेक्टेड, ठीक है? तो जैसे अगर ये डोमिनेंट रेट है, ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने कहते हैं एक एलील है एक्स, ठीक है, मैंने उसको एक्स डी लिख दिया क्योंकि ये डोमिनेंट है. दूसरी को मान लो मैंने एक्स लिख दिया, ठीक है, तो क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं? एक्स एक्स दिस विल बी नॉर्मल फीमेल, नॉर्मल फीमेल, ठीक है. बट इफ इट इज एक्स एक्स डी, क्योंकि चलो एक्स दिया तो पहले लिख देता हूँ डोमिनेंट है, तो दिस विल बी डिजीज्ड, या जो भी करेक्टरिस्टिक है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है. अगर दोनों डोमिनेंट एलील हैं, ठीक है, तब भी उसको डिजीज होगी, ठीक है. मतलब फीमेल के अंदर अगर एक भी डोमिनेंट एलील आ गई तो उसको डिजीज होगी, ठीक है. लेकिन मेल एज वी नो एक्स वाई इज नॉर्मल, एंड इफ इट इज एक्स डी वाई, ठीक है, then that will be your diseased male. ठीक है, तो basically how come more females are affected? Because अगर एक भी dominant allele आ गई तो उसको disease हो जाएगी, ठीक है. Dominant trait does not skip generation, ठीक है. ये देखो generally जब भी हम recessive dominant की बात करते हैं तो recessive trait generally generation skip करता है लेकिन dominant नहीं करता, ठीक है. Affected sons must have an affected mother, ठीक है, क्योंकि X-linked trait है. son में basically father से तो Y chromosome ही आता है, ठीक है, तो son तभी affected होगा जब mother affected होगी. लेकिन daughter को affect होने के लिए, क्योंकि daughter में X chromosome, जो दो X chromosome होते हैं, एक mother से आता है एक father से आता है, तो वो तो फिर basically चाहे affected mother है चाहे affected father है, तो daughter में तो वो trait कहीं से भी आ सकता है, ठीक है. affected fathers will pass the trait on to all their daughters, ठीक है, क्योंकि अगर father X D Y है, ठीक है, और female अगर X X है, ठीक है, सारी daughters में वो trait जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये dominant trait है. तो अगर father affected है तो सारी daughters में ये trait जाएगा, ठीक है. affected mother if heterozygous, ठीक है, तो अगर mother for example heterozygous है, इसका मतलब है कि mother है X D X और फादर है नॉर्मल, ठीक है, तो मतलब हेटरोजाइगस कंडीशन है. इन दैट केस बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट ट्रेट, सो एक्स डी एक्स एंड एक्स वाई, ठीक है, सो दिस विल बी एक्स डी एक्स, दिस विल बी एक्स एक्स, एक्स डी वाई एंड एक्स वाई, ठीक है. तो यहां पर आप देख रहे हो आउट ऑफ टू डॉटर्स, ठीक है, इसको डिजीज होगी, ठीक है, इसको नहीं होगी. सन में देखे तो इसको डिजीज होगी, इसको नहीं होगी, ठीक है. सो बेसिकली इफ मदर इज हेटरोजाइगस देन इट विल पास द ट्रेट ऑन टू हाफ ऑफ देयर सन्स एंड हाफ ऑफ देयर डॉटर्स. अगर मदर कैरियर है तो हाफ ऑफ द सन्स एंड हाफ ऑफ द डॉटर्स विल बी अफेक्टेड, ठीक है. इसमें अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स देखें, सो वन ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल वी हैव दैट इज हाइपोफॉस्फेटीमिया, hypophosphatemia, which is basically a familial vitamin D resistant rickettsias, familial vitamin D resistant rickettsias. And one example we have that is fragile X syndrome. So both of them are example of your basically ये दोनों के दोनों आपके examples हैं किसके X linked dominant trait. ठीक है, तो कुछ हमने features discuss करे and कुछ examples आपके X linked dominant trait के.